है गाइस वेलकम बैक टू एग्रीमिशन कोचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्रो योर ड्रीम्स विद एग्रीमिशन कोचिंग टुडे आई एम गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट डेली एमसीक्यू सीरीज़ फॉर आईबीपीएस बी 2022 23 टू एंड असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2021 तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को डेली एमसीक्यू सीरीज़ होगी जो आईबीपीएस बी और डब्ल्यू के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की एम MC सी की एम सी क्यू सीरीज को फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ग्रेट सोइल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ऑर्डर जोनल सोइल लेटराइट सोइल एल्वियल सोइल सेलाइन सोइल रीगो सोल्स इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो सोइल ग्रुप है वो ऑर्डर जोनल सोइल से बिलोंग करता है तो इसका राइट right आंसर होगा लेटराइट सोइल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दी हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एरियल फोटोग्राफिक सोइल सर्वे डिपेंड्स अपॉन जो एरियल फोटोग्राफिक होती है सोइल सर्वे के लिए वो किस पर डिपेंड करती है ऑप्शंस है स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी टाइप्स ऑफ कैमरा थर्ड ऑप्शन है फोकल लेंथ ऑफ कैमरा फोर्थ ऑप्शन है एरिया ऑफ टोपोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होगा फोकल लेंथ ऑफ कैमरा फ्रेंड्स फोकल लेंथ ऑफ कैमरा क्या होती है यानी कैमरा होता है उसमें एक ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है और एक इमेज सेंसर होता है इमेज सेंसर और ऑप्टिकल सेंसर के बीच में जो स्पेस होता है उसे फोकल लेंथ ऑफ कैमरा कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग इन रेफरेंस टू सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज फॉल्स यानी मृदा निर्माण है या सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग जो करेक्ट नहीं है वो आपको ऑप्शन बताना है फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक सबस्टांस फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है ह्यूमिफिकेशन एक प्रोसेस होती है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की और निर्माण किसका होता है न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण होता है तो ये करेक्ट है आपको बताना इनकरेक्ट है सेकंड ऑप्शन की बात करें बायोस्फीयर इज़ ए एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर बायोस्फीयर इज़ ए एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर ये भी करेक्ट है क्योंकि बायोस्फीयर क्या होता है एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर होता है आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट है ऑर्गेनिज़म्स या बायोस्पियर है रिलीफ या टोपोग्राफी होता है ये क्या होता है एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं इसी के साथ आपने पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल और टाइम या इज़ पढ़ा होगा वो क्या होता है पैसिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं थर्ड ऑप्शंस की बात करें यदि दी पोर्टलाइजेशन इज द फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पोर्टलाइजेशन होती है वो फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं होती है ये क्या होती है एक विशिष्ट क्रिया होती है या इसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है पेरेंट मटेरियल इज पैसिइल फॉर्मिंग फैक्टर पेरेंट मटेरियल पहले ही बात कर चुके हैं पेसिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी होगा सी करेक्ट आंसर क्यों होगा क्योंकि जो पोर्टलिजेशन है ये स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्सर क्लास इनमें से जो टैक्सर क्लास है वो कौन सी नहीं है आपको इसका आंसर बताना है ऑप्शन इस प्रकार है सैंडी सोइल लोमी सैंड सेंड लोम सेंड इसका करेक्ट आंसर होगा सेंड ड क्या है एक सोल टेक्सर क्लास नहीं है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है ऑप्शन इस प्रकार है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी किसान खाद भी कहा जाता है जिसे केन यानी सोट में कहते हैं केन ऑप्शन बी है डायमोनियम फास्फेट यानी डीएपी थर्ड है यूरिया फोर्थ है नन ऑफ करेक्ट आंसर होगा यूरिया यूरिया ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन है जो कंपाउंड है वो पाया जाता है या कार्बन एलिमेंट पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट बताना है तो फर्स्ट ऑप्शन है रोक फॉस्फेट इज ए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर सेकेंड ऑप्शन है सिंगल सुपरफास्फेट यानी एस एस पी इज ए वॉटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर थर्ड ऑप्शन है ट्रिपल सुपरफास्फेट इज ए एसिड सोल्यूबल फर्टिलाइजर फोर्थ ऑप्शन है अमोनियम फास्फेट इज ए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए रोकफॉस्पेट इज ए वॉटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर रोक फॉस्पेट क्या होता है सिट्रिक एसिड और इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है यानी यह इनकरेक्ट है रोकफॉस्पेट क्या होता है सिट्रिक एसिड और वॉटर इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू न्यूट्र डिफिशियंसी सिम्टम्स इज नॉट करक्टली मैच्ड आपको एक साइड में न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं उनके सामने उनके डिफिशियंसी के सिम्टम्स लिखे गए हैं आपको ये बताना है कि कौन सा मैच नहीं करता है ऑप्शनस इस प्रकार हैं आपके कैल्शियम के लिए लिखा गया डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर्स ऑन टर्मिनल बड एंड इट ड्राइव विद टाइम ये करेक्ट है क्योंकि कैल्शियम के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो टर्मिनल बर्ड्स पे दिखाई देते हैं और ये टाइम्स के टाइम के साथ क्या होते हैं सूखता जाता है जो इसकी टर्मिनल बर्ड्स होती है ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट बी सल्फर के लिए लिखा गया कि क्लोरोसिस सिम्टम्स अपीयर ऑन यंगर लीव्स ये भी करेक्ट है क्योंकि जो सल्फर के सिम्टम है वो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं थर्ड ऑप्शन है फेरस के लिए लिखा गया है क्लोरोसिस सिम्टम्स अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स साथियों ये इनकरेक्ट है क्योंकि फेरस के जो सिम्टम्स हैं वो भी किस पे दिखाई देते हैं यंगर लीव्स पे दिखाई देते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन के लिखा गया है कि क्लोरोसिस सिम्टम अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स ये करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या होगा जो नोट करेक्टली मेस्ड है वो क्या है सी यानी फेरस है वो क्या इसके यंगर लीव्स पे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोट ए मिनरल ओरिजन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो मिनरल ओरिजन नहीं है तो इसका हमारे पास ऑप्शन इस प्रकार है ए ओरिजन ओ ओरिजन बी ओरिजन और ई e ओरिजन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी यानी ओ ओरिजन ओ ओरिजन क्या होता है ऑर्गेनिक होरिजन कहते हैं इसे है कार्बनिक संस्तर कहा जाता है तो ये क्या होता है नॉन मिल मिनरल होरिजन है या इसे कह सकते हैं कि ये मिनरल होरिजन नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी यानी ओ होरिजन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉन एडेबल ऑयल केक ऑप्शन इस प्रकार है मस्टर्ड ऑयल केक महुल महुआ ऑयल केक ले, लेंसिड ऑयल केक ऑयल केक तो इसमें से आपको बताना यह कि ए खाद्य खली कौन सी है तो करेक्ट आंसर होगा बी महुआ क्या है ए खाद्य खली है इसको क्या है ये नॉन एडेबल ऑयल केक है तो इसे पशुओं को खिलाने के लिए काम में नहीं लिया जाता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टेन है मैच दी कॉलम फर्स्ट विद दी कॉलम सेकंड एंड चूज दी करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो आपको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मैच कराना है एक साइड में आपको न्यूट्रंट दिए गए हैं दूसरी साइड में आपको क्या दिया गया है इसके फिजियोलॉजलॉजिकल फंक्शन या डिफिशेंसी सिम्टम्स दिए गए हैं आपको बताना ये है कि ये कौन सा किसके साथ मैच करेगा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फास्फोरस फास्फोरस के लिए लिखा गया है प्ले इपोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर टॉलरेंस सेकेंड हमारा है पोटेशियम के लिए इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर थर्ड ऑप्शन है बोरोन के लिए डेफिशेंसी कोज खैरा इन राइस फोर्थ ऑप्शन है जिंक प्ले वाइटल रोल इन पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ तो साथियों इसको आसानी से मैच कर सकते हो आप आपने जिंक को खैरा डिजीज़ पढ़ा होगा कि खैरा रोग है जो राइस में किससे होता है जिंक की कमी से और आपने पोलन जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा होगा कि बोरोन है वो तो कहता है पोलन जर्मिनेशन जर्मिनेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है जो प्ले करता है और पोलन ट्यूब ग्रोथ के लिए फिर अपने बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर टॉलरेंस में यानी जब वाटर स्ट्रेस होती है तो जब स्टोमेटा क्लोजिंग का काम करता है वो कौन पोटेशियम करता है फोसफोरस की बात करें तो फोसफोरस क्या होता है इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर में एनर्जी ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है फोसफोरस को तो इस प्रकार से मैच होगा ये एक का बी से दो का ए से तीन का डी से और चार का सी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन से क्लस्टरिंग डिजीज ए डिसऑर्डर डिस आपको बताना है कि क्लस्टरिंग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो किस फ्रूट का होता है तो ऑप्शन इस प्रकार है आपके ग्रैप्स मैंगो स्पोटा बनाना इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा मैंगो क्लस्टरिंग एक मैंगो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वरायटी ऑफ पपाया इज नोट ए गाइनोडाइसिस वेराइटी आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गायनोडाइसिस वेराइटी नहीं है ऑप्शन है इस प्रकार पूसा डॉर्फ सूर्या पूसा मेजेस्टी कुरघानी ड्यू इसका करेक्ट आंसर होगा पूसा डॉर्फ क्योंकि पूसा डॉआरफ है वो डायोसिस वैरायटी है बाकी सभी तीनों वैरायटियां गानोडेसिस वराइटीज हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ललित इज ए ऑफ विच फ्रूट क्रॉप आपको बताना है कि ललित किस फ्रूट क्रॉप की वैरायटी है ऑप्शन है आपके ग्रैप पोमग्रेनेट गुआवा लेमन इजी क्वेश्चन है पोमीग्रेनेट की वैरायटी होती है अनार की वैरायटी होती है ललित इंपॉर्टेंट है काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच फ्रूट इज नोट पील्ड बिफोर कैनिंग क्वेश्चन है हमारा कि कौन से फ्रूट को कैनिंग से पहले छीला नहीं जाता है ऑप्शन से हमारे पाइन एपल अनानास मैंगो चेरी एप्पल करेक्ट आंसर होगा इसका चेरी क्योंकि चेरी को क्या होता है कैनिंग से पहले छीला नहीं जाता है बाकी सभी को पाइन मैंगो और एप्पल को छीला जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा चेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कैरेट बताना है कि गाजर की जो ऑप्टिमम सीड रेट होती है किलोग्राम पर हेक्टेयर वो क्या रहती है इजी क्वेश्चन है करेक्ट आंसर होगा फोर टू फाइव केजी पर हेक्टेयर चार से पांच किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गाजर की सीड रेट रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ऑप्टिमम सीड रेट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइब्रिड टी रोज इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड विच ऑफ फॉलोइंग मेथड बताना है कि जो टी रोज होता है हाइब्रिड टी रोज होता है उसका जो प्रोपेगेशन है वो किस मेथड से होता है ऑप्शन है आपके इस प्रकार हार्डवुड स्टेम कटिंग एयर लेयरिंग और टी बडिंग और स्कर्स के द्वारा साथियों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बार बार बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो अच्छे से इनको देखिए प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम्स चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड के कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसका करेक्ट आंसर है टी बडिंग हाइब्रिड टी रोज का जो कमर्शियली प्रोपेगेशन होता है वो टी बडिंग द्वारा होता है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इन विच क्रोप ए डिजीज पर्पल ब्लोच इज फाउंड बताना है आपको कि पर्पल ब्लोच जो डिजीज है वो किस में पाया जाता है ऑप्शन है आपके टोमेटो पी कॉलीफ्लावर ओनियन करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा ओनियन इसका करेक्ट आंसर होगा कि पर्पल ब्लोच है अल्टरनेरिया पोराई द्वारा जो होता है वो ओनियन में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबी इज़ ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप आपको बताना है कि रूबी किस फ्रूट क्रॉप की वैरायटी है बेल पोंग्रेनेट गुआवा और ओंला इनमें से बताना है कि बेलपत्तर अनार और गुआवा और आंवला में से किसकी वैरायटी है ये तो आपने इसको भी पढ़ रखा होगा अनार की वैरायटी है पोमीग्रेनेट की वैरायटी रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीसीज ऑफ रोज कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल यानी गुलाब की कौन सी प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक एसेंशियल ऑयल पाया जाता है ऑप्शंस आपके इस प्रकार है रोजा मल्टीफ्लोरा रोजा बोर्बियाना रोजा डेमसिना रोजा चाइनेसिस करेक्ट आंसर होगा इसका रोजा डेमेसिना क्योंकि रोजा डेमेसिना में सबसे अधिक एसेंशियल ऑयल है जो गुलाब की प्रजाति में पाया जाता है तो साथियों आज के लिए ये थे ट्वेंटी एम साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आपको वहाँ बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ एग्रीकल्चर के रेफरेंस में बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कल मिलेंगे डेली एमसीक्यू सीरीज़ होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को आप नोट करती चलिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल बाय टेक केयर